साइफर केस में इमरान खान साहब को बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने फैसला तो सुना दिया 10 साल का, लेकिन मेरे समझने में इंशाल्लाह हम जितनी भी कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे, हम इसको अपील करेंगे और मुझे यकीन है पाकिस्तान के कोर्ट्स में, मुझे यकीन है अल्लाह ताला में और अल्लाह ताला के निज़ाम में, और मुझे यकीन है कि हमेशा जीत हक और सच की होती है, ये फैसला ओवरटर्न होगा। वो फैसला है जो हमारे वकला ने करना है, वो जंग है जो हमारे वकला ने लड़नी है, आपने और मैंने इमरान खान की हकीकी आज़ादी के मिशन को आगे लेके जाना है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो पैगाम दिया वो बड़ा वाज़ेह है, हमने इश्तियाल में नहीं आना, हमने पुरअमन रहना है, हमने जमहूरियत के दामन को थाम के रखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, आप वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 9 माह में बहुत जुल्म, बहुत बर्बरियत का सामना किया, आपकी चादर चार दीवारी पामाल हुई, आप पर झूठे केसेस बनाए गए, आपको ज़दोकोप किया गया, आपको प्रेशराइज करके आपसे पार्टी छुड़वाई गई, आपकी वफादारियां तब्दील की गई, आपके घर वालों को मुतासर किया गया, आपके कारोबार को मुतासर किया गया, लेकिन आपने ये सब खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। वो इसलिए किया कि आपको इमरान खान ने इस दिन के लिए तैयार किया था, हमें खान साहब ने जो हकीकी आजादी का ख्वाब दिखाया था, अब वक्त आ गया है कि हमने उस ख्वाब को अमली जामा पहनाना है। अब वक्त आ गया है कि 8 फरवरी को हमने अपने वोट के जरिए इंशाल्लाह इस जुल्म का बदला लेना है।